आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए, प्रश्न दिया गया है, एक घुड़सवार एक स्थिर गति से भोपाल से चंडीगढ़ की यात्रा करता है। यदि घोड़ा अपनी गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वृद्धि करता है तो घुड़सवार को उस दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, और आरंभिक गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम से यात्रा करने पर उसे अधिक गति से की गई यात्रा से समय 10 घंटे अधिक लगता है, ठीक है, तो भोपाल और चंडीगढ़ के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा हमारा सूत्र होता है कि अगर हम, ठीक है, कोई एक जो दूरी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से भोपाल से चंडीगढ़ की दूरी है, मान लीजिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से हम जा रहे हैं एस से, ठीक है, तो दूरी का जो यहाँ पे सीधा सूत्र होता है, पहली स्पीड, ठीक है, घटाई या बढ़ाई गई स्पीड, ठीक है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, गुना यहाँ पे समय का अंतर आएगा, ठीक है। टी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये डेल्टा टी है, मतलब कि यहाँ पे समय का अंतर होता है, ठीक है, समय में अंतर। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए मान लीजिएगा वो आपका घुड़सवार स्थिर गति से जाता है, स्थिर गति हमारी ऐसे है, ठीक है, जो पहले प्रारंभिक गति है, ठीक है, आरंभिक गति, गति जो है हमारी वो है हमारी एस, ठीक है, तो हम जानते पहले एस से जा रहा था, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वो अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वृद्धि कर लेता है तो दूरी करने में 4 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूरी लिखते हैं, हम पहले एस से चलता था तो एस जमा 6, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4 घंटे का अंतर आया, ठीक है। देखिए दूरी तो नहीं बदली, जो भोपाल से चंडीगढ़ की दूरी वो तो हम उतनी ही रहेगी, तो अब कह रहा है कि दूसरे केस में आरंभिक गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, ठीक है, मतलब या तो एस एस घटा 6, ठीक है, तो कर ले, तो वो कह रहा है कि करने पर अधिक गति से की गई यात्रा के समय से 10 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। देखिए पहले ये कह रहा था, मान लीजिएगा पहले टी अगर समय लगता था, इसमें 4 घंटे कम लगता है, ठीक है, अब ये कह रहा कि ये जो 4 घंटे कम लगता है इससे 10 घंटे अधिक लगता है, ठीक है, क्योंकि तेज से चले थे ये, एस जमा 6 से चले थे तब हमारे 4 घंटे कम लगे थे, ठीक है, तो इससे 10 घंटे ज्यादा, तो मतलब कि अगर इस गति से कितने घंटे ज्यादा हो जाएगा, 6 घंटे ज्यादा, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 6 गुना 6, समझ पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल गति से 6 घंटे ज्यादा होगा, तेज गति से तो 10 घंटे ज्यादा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ एस से एस कट जाएगा, ठीक है, हमें पहले एस निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2s जमा 12 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3s घटा 3 6 18, ठीक है, तो यहाँ पे एस का मान हो जाएगा यहाँ पे 18 19 20 30 30 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमारी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम जो दूरी होगी डी मानी थी, दूरी हो जाएगी, किसी भी हम एक समीकरण में रख देंगे, तो हम यहाँ रखेंगे 30 गुना 36 बटा 6 गुना 4, तो ये 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 6 24 72, तो कितने 720 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।